रोमन रेंस को आई धमकी, हुआ नेक्स्ट सेगमेंट कंफर्म, टकर हो चुके हैं स्मैकडाउन में ड्राफ्ट और जानेंगे क्या कुछ हुआ बट आज मंडे नाइट रॉक के खत्म होने के बाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG बस आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों हम कुल मिलाकर चार बड़ी खबरें कवर करेंगे। ज्यादा लंबी हम इस वीडियो को नहीं ले जाएंगे। वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों एक ऐसी न्यूज के साथ जो कि आपके होश फाख्ता करने वाली है। तो आप जानते हैं दोस्तों इस बारी का ड्राफ्ट जो है वो काफी बढ़िया गया था और उसके अंदर कई सुपरस्टार्स इधर से उधर हुए, लेकिन अब WWE वाले ऐसे काम कर रहे हैं जिससे लगने लगा है कि ड्राफ्ट ना ही होता तो अच्छा होता। तो आप जानते हैं इस बीती हेल इन अ सेल में क्या हुआ। इस बीती हेल इन अ सेल में टकर ने दोस्त को दे दिया अपने धोखा, यानी कि ओटिस पर कर दिया हील टर्न। अब बताया ये जा रहा है कि गाइस जो टक्कर है वो फिट से स्मैकडाउन के अंदर ड्राफ्ट हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बिल्कुल सही से देख भी रहे हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ WWE वालों ने स्मैकडाउन रोस्टर में टक्कर को डाल दिया है साइलेंटली। दोस्तों काम हुआ है साइलेंटली, जो WWE कार्य कर रहा है मेरे समझ से तो पर है। लेकिन आप जानते हैं अगर किसी राइवलरी को कंटिन्यू रखना है, अगर किसी राइवलरी को बिल्ड कर रहे हैं तो किसी एक ब्रांड के अंदर ही वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है। चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। वह इससे अगली खबर जो आज ही हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों ड्र्यू मैकइंटायर से, जिन्होंने बता दिया अपना फेवरेट इंडियन एक्टर। तो हाल ही में दोस्तों ड्र्यू मैकइंटायर एक इंटरव्यू के दौरान ये चीज़ बताए कैसे जिंदर महाल ने उन्हें इंडियन सिनेमा से अवगत कराया। यहाँ दोस्तों ड्र्यू मैकइंटायर का कहना क्या रहा कि वो बहुत से भारतीय जो सुपरस्टार्स है या फिर कह लीजिए एक्टर्स है उनसे परिचित किए गए हैं और जिंदर महाल ने उन्हें बताया बहुत सारे एक्टर्स के बारे में, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ जॉन अब्राहम पसंद है। जॉन अब्राहम के बारे में दोस्तों ड्र्यू मैकइंटायर का कहना ये रहा कि उनके लुक्स काफ़ी बढ़िया है और उन्हें जॉन अब्राहम काफ़ी पसंद आते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये चीज़ भी कही कि अगर कभी दौरा लगा इंडिया का और जब भी कभी दौरा लगेगा इंडिया का तो मैं जॉन अब्राहम से ज़रूर मिलूंगा और उनके साथ टैग टीम अवश्य बनाना चाहूंगा। तो यहाँ दोस्तों एक तरीके का इनविटेशन दे दिया जॉन अब्राहम को WWE के लिए, अगर WWE में जॉन अब्राहम आते हैं। वैसे तो दोस्तों ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन खुद नगास्ता अगर जॉन अब्राहम आने की चाह रखते और दोस्तों आते तो हमें ड्र्यू मैकइंटायर उनके साथ टैग टीम बनाते हुए ज़रूर नज़र आते, क्योंकि ड्र्यू को दोस्तों जॉन बेहद पसंद है। हम चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। तो भाई इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई दोस्तों एक ऐसे रेसलर से जिसे आप और हम सब लोग भली भांति जानते हैं। ये कोई और नहीं, यह है जेफ हार्डी। तो जेफ हार्डी के लिए आज का दोस्तों जो रॉ का एपिसोड था बहुत बुरा रहा। जेफ हार्डी के फैंस थे वो भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि जेफ हार्डी के साथ बहुत गलत कर रहा है WWE, जिस तरीके से उन्हें बुक किया जा रहा है बिल्कुल भी सही नहीं है, अलास हर बारी उन्हें स्क्रू करके चले जाते हैं। तो गाइस आपको मैं बताना चाहूँगा जेफ हार्डी के प्लान्स काफ़ी बड़े हैं। हाल ही में जेफ हार्डी का इंटरव्यू हुआ जिसके अंदर ये चीज़ बोले कि वो WWE चैम्पियन समेत यूनिवर्सल चैम्पियन बनना चाहेंगे। तो जेफ हार्डी ने ये चीज़ बताई कि उनका कॉन्ट्रैक्ट 2024 तक है, यानी कि 2024 तक आपको कहीं भी जेफ हार्डी जाते हुए नज़र नहीं आने वाले हैं। काफ़ी बढ़िया खबर है। साथ ही साथ जेफ हार्डी ने ये चीज़ भी बताई इसके अंदर कि 2024 तक वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट भी करना चाहते हैं, यूनिवर्सल टाइटल भी जीतना चाहते हैं और WWE टाइटल भी वो जीतना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा दोस्तों उन्होंने सपने सजो कर रखे हैं और उनका मेन गोल यही है कि रेसलमेनिया को मेन इवेंट करे। अब देखते हैं दोस्तों विंस मैकमैन कब उन्हें पुश देते हैं। हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वर्सेस जेउसो की राइवलरी से। तो गाइस राइवलरी शायद से ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि एक बड़ी खबर हमारे सामने निकल कर आ रही है। इस घंटे की सबसे बड़ी खबर यही है कि गाइस रोमन रेंस का सेगमेंट हो चुका है कन्फर्म। तो WWE वालों ने एक वीडियो डाली है जिसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है, WWE बता रही है कि इस हफ्ते स्मैकडाउन में जो रोमन रेंस है जे उसो को कॉन्सिक्वेंसेस बताने वाले हैं और वो कॉन्सिक्वेंसेस यही रहेंगे कि अब वो उनके सर्वेंट है, ऐसा दोस्तों मेरा मानना है। वहीं दोस्तों मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इस वीडियो के अंदर हम एक बोनस न्यूज़ को भी कवर करेंगे। तो गाइस वो न्यूज़ है दोस्तों एक ऐसे रेफरी के बेटे से जुड़ी हुई जिन्होंने दोस्तों बिग डॉग को दे दिया चुनौती। तो कौन सा रेफरी? रेफरी दोस्तों ब्रायन नाम का रेफरी दोस्तों हमें हेल इन अ सेल के अंदर दिखाई दिया था, जहां दोस्तों रोमन रेंस ने उस वक्त निकाल दिया उस रेफरी को जिस वक्त दोस्तों रोक रहा था रोमन को, ये मैच के अंतिम क्षणों से पहले हमें एंगल देखने को मिला था, धकेला था। उस रेफरी के बेटे ने दोस्तों रोमन रेंस को वीडियो मैसेज भेजा जो कि आपकी स्क्रीन पर अब आ रहा है। Roman, push my dog, wait. Come for you.
यहाँ दोस्तों आपने देखा किस तरीके से इस छोटे से लड़के ने दोस्तों, छोटे से आप कह लीजिए बच्चे ने दे दिया टिकटॉक को चैलेंज। वेल रोमन रेंस का इस पर क्या रिएक्शन आता है ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जानना, क्योंकि आप जानते हैं इससे पहले तो रोमन रेंस बच्चों से काफ़ी अच्छे से ट्रीट आ रहे थे, लेकिन अब वो हील में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इस बच्चे को तगड़े वाली लताड़ लगने वाली, और अगर ऐसा होता है तो मेरे हिसाब से बैश फॉर बिजनेस होगा, क्योंकि ट्राइबल चीफ दोस्तों काफ़ी बढ़िया कैरेक्टर है बिग डॉग का, और इस वक्त दोस्तों उन्हें इसी कैरेक्टर को निभाना चाहिए। आज की वीडियो इतनी थी, तो अगर दोस्तों आपको एक क्विक वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो के अंत से पहले दोस्तों थैंक्स टू आवर मेंबर्स, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ खैर।